Hi guys, welcome back to my channel DV on TV. So आज हम देखने जा रहे हैं my lipstick collection. जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है. थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ बट शौक बहुत ज़्यादा है. So ये रहे मेरे lipsticks. Let's check them out one by one. ओके, सो मैं पहली जो लिप शेड आपको दिखाने जा रही हूँ वो मैंने रिसेंटली परचेज की है फ्रॉम रेने. ये आपने देखा होगा, इसका काफ़ी लोग रिव्यू दे रहे हैं. सो दिस इज़ बेसिकली अ लिप बाम सॉर्ट ऑफ थिंग. सो इट्स ब्लैक इन कलर, एज यू कैन सी, वेरी ब्लैक. बट वेन यू अप्लाई दिस इट टर्न्स आउट टू बी योर लाइक नेचुरल लिप कलर. सो लेट्स ट्राई दिस. सो ये धीरे धीरे आपका लिप्स का पीएच लेवल लेता है और उस हिसाब से लिप शेड बनाता है. सो ये इसने मेरा पिंकिश थोड़ा सा लिप्स कर लिया है. थोड़ा क्लोजअप आप देख लो, इस तरीके से शाइनी शेड आता है, मैट नहीं है. बाम थोड़ा आई गेस कि विंटर्स के लिए सबसे बेस्ट है, अच्छा है. आप बस ये लगा लो एंड यू आर गुड टू गो. जिसको बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं चाहिए, जिसको बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं है कि लिपस्टिक लगाई है, सो ये आपका एकदम नेचुरल लगता है. और आप इसको कॉलेज में जा सकते हो लगा के, और कहीं भी ऑफिस वेयर के लिए भी अच्छा है, नॉर्मल भी अच्छा है. सो यस, दैट्स इट. नेक्स्ट लिपस्टिक जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो है नायका की, जिसका शेड है बोहो. आप देख सकते हो. तो सो बेसिकली ये मेरी पुरानी लिप शेड है, बहुत पहले ली थी, बट ये बहुत ही प्रिटी पिंक कलर है. एंड लेट्स ट्राई दिस. पिगमेंटेड है, एक ही स्ट्रोक में इतना लग चुका है. सो जिसको पिंकिश शेड पसंद है, ज़्यादा डार्क भी ना लगे और हल्का सा पिंकिश टेंट टाइप का है, तो ये बहुत ही अच्छा शेड है बोहो. एंड आप देख सकते हो धीरे धीरे और मैट होता जाएगा, ये एकदम प्योर मैट हो जाएगा. सो ये मुझे अच्छा लगता है. फर्स्ट थिंग, इट्स नॉन ड्राइंग, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा लिप्स, और बिल्कुल भी पैची नहीं है, अच्छी है. एंड स्टे इसका वेरी डिसेंट स्टे, अच्छा स्टे है. सो एज यू कैन सी ये पूरी मैट हो गई है और बहुत ही अच्छा सा लग रहा है. आप इसको लिप लाइनर के साथ लगाओगे तो और अच्छा लुक आएगा. सो यस, इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन, नॉट इन्वेस्ट बट इफ़ यू वॉन्ट टू बाय समथिंग इन पिंक शेड, देन आई गेस बोहो इज योर शेड फ्रॉम नायका. सो दिस लिपस्टिक हैज़ बीन रिसेंटली एडेड. सो ये मेरे को मैंने मेबलिन की लिपस्टिक मंगाई थी, तो उसके साथ ही मुझे फ्री मिली थी अभी नायका पिंक सेल से. सो लेट्स ट्राई दिस. सो काफ़ी प्रिटी सा पिंक है. एनीबडी हु लाइक्स पिंक शेड सो दे कैन बाय दिस. इसका नंबर है रूलर 80. सो दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन मैट इंक सुपर स्टे लिपस्टिक. सो काफ़ी अच्छा स्टे है. थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी है, बट आई गेस मेबलिन की जो लिक्विड लिपस्टिक है सबकी थिक कंसिस्टेंसी होती है. एंड बट स्टे बहुत अच्छा होता है. सो इसका स्टे बहुत अच्छा है. पैची, लिटिल बिट पैचीनेस है क्योंकि ये थिक है. सो बट इतना चल जाएगा, आई डोंट थिंक इट्स एन इश्यू. प्लस इट्स नॉन ड्राइंग, सो बिल्कुल ड्राई नहीं करती है लिप्स को, चैप नहीं करती. अब अच्छे से लिप बाम लगा लो, ऊपर से लगा लो, तो कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन. सो द नेक्स्ट लिप शेड इज दिस मैक मिनी. दिस इज द शेड ऑल फायर्ड अप. इट्स ऑल्सो पिंक शेड एंड काफ़ी ब्राइट पिंक शेड है ये, एज यू कैन सी. दिस इज द शेड, मैंने थोड़ी फैला दी है बट ठीक है. सो बेसिकली दिस हैज़ अ ब्लू अंडरटोन इन इट. सो जिसको ब्लू अंडरटोन की लिप शेड पसंद है, सो दे कैन गो फॉर इट. आई गेस इट इज़ गुड फॉर फेयर स्किन टोन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है फॉर मी, बट मैं इसको मिक्स एंड मैच करके लगा लेती हूँ थोड़ा.
एंड इट्स नाइस बट आई डोंट नो, मैक की लिपस्टिक बहुत ज़्यादा फैलती है, जो अभी तक मैंने आपको तीनों दिखाए हैं दैट वो बिल्कुल नहीं फैलती है, ट्रांसफ़र प्रूफ है, बट ये इट्स नॉट ट्रांसफ़र प्रूफ, सब पूरा ट्रांसफ़र होता है, सो इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ये मैंने मंगाई तो थी, जब मैंने इसका मैंने मिनी ही मंगाया था क्योंकि मुझे थोड़ा ट्राई करना था फर्स्ट टाइम मैक की लिपस्टिक कैसी होती है, बहुत दो साल पहले मंगाई थी आई गेस। सो आई डोंट नो वाई पीपल लाइक मैक लिपस्टिक, बट मुझे उसका सबसे ड्रॉबैक, बड़ा ड्रॉबैक यही लगता है कि इट्स नॉट ट्रांसफ़र प्रूफ। आप चाय पियोगे, आप कॉफ़ी पियोगे, सब चीज़ में आपका ये ट्रांसफ़र। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू माई फेवरेट ब्राउन शेड्स, बट उसका मैं आपको पहले थोड़ा लाइटर वर्जन दिखाऊंगी, जो कि काफ़ी न्यूड कह सकते हो आप। सो दीज आर माई न्यूड कलर्स, सो लेट्स चेक देम आउट। सो इनको अप्लाई करने से पहले मैंने लिप लाइनर लगा दिया है, सो जो लिप लाइनर मैंने अप्लाई किया है वो इन कलर का है, ब्राउन शेड। ये मेरा हर लिपस्टिक के साथ चला जाता है, हर ब्राउन लिपस्टिक के साथ, न्यूड लिपस्टिक के साथ। सो यू कैन ऑल्सो बाय दिस, दीज आर वेरी अफोर्डेबल, आई डोंट नो ये 50 रुपीज़ या 60 या 80 रुपीज़ ऐसे ही कुछ आता है। सो मैंने इसके 3-4 शेड्स खरीदे थे, बट आई लाइक द ब्राउन शेड वन। इसका नंबर आई डोंट नो, इट्स सिल्की ब्राउन, सो ये काफ़ी अच्छा ब्राउन है। इसके साथ आप कोई भी जो ये ऐसे लाइट न्यूड शेड्स होते हैं ये अच्छा लगता है। सो सबसे पहले अगेन मैंने नायका से इस बार बाय करा था, सो उसके साथ मुझे मैंने पैक के ब्रशेस लिए थे, उसके साथ मुझे ये छोटा सा मिनी लिपस्टिक फ्री मिला। ये शेड है ब्रंच 01 फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स, लेट्स ट्राई। ये काफी छोटू सा क्यूट है, एंड दिस इज अ शेड। ये मैंने लिप लाइनर के साथ लगाया है इसलिए ये अच्छा लग रहा है, अगर मैं विदाउट लिप लाइनर ट्राई करूँगी तो ये थोड़ा वॉश्ड आउट लगता है फॉर माय स्किन टोन। फॉर फेयर स्किन टोन आई गेस यू कैन यूज़ इट विदाउट एनी लिप लाइनर ऑल्सो, अच्छा लगेगा, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस शेड एंड बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है। लेट्स सी ट्रांसफ़र प्रूफ है कि नहीं, आई हैव नेवर ट्राइड, इट्स ट्रांसफरेबल, सो यू कैन से इट्स वन ड्रॉबैक, बट ओवरऑल मुझे शेड बहुत पसंद आया है ब्रंच, सो इफ़ यू वॉन्ट अ बाय यू कैन गो फॉर इट, इट्स अ वेरी प्रिटी न्यूड शेड, सो डेली वेयर के लिए आपका अच्छा है कलर। सो माई वन ऑफ द फेवरेट न्यूड शेड और यू कैन से ब्राउन शेड इज दिस फ्रॉम नायका, दिस इज द शेड झुमकी 14 एंड आई जस्ट लव दिस शेड। इसको आप किसी के साथ भी लगा लो, कभी भी लगा लो, वेरी प्रिटी कलर, लेट्स ट्राई दिस। सो या दिस इज द कलर, ये अभी मैट हो जाएगा एंड इट्स वेरी प्रिटी कलर और तीसरा टोन है एंड आप लगा लो तो बहुत अच्छा। अगेन माय सेकंड फेवरेट शेड इज दिस नायका, शेड इज मद्रास कापी, सो आई गेस सबको पता ही होगा ये शेड, ये सबका ही फेवरेट है बिकॉज इट्स अ वेरी प्रिटी ब्राउन न्यूड शेड एंड मैं आपको लगाऊंगी शेड जिसको नहीं पता, सो फॉर देम सी एक इंस्टेंट ब्राउन शेड दे देता है, अभी ये मैट होगा। सो दिस इज़ अगेन नायका की जो लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक्स हैं उसका मिनी वर्जन है ये, सो आई बॉट मिनी वर्जन क्योंकि मैंने सोचा पहले ट्राई करते हैं, मैंने सुना तो बहुत था बट मैंने कहा लेट्स ट्राई इट एंड इट्स अ वेरी प्रिटी कलर, सो इट गोज़ विद ऑल आई गेस ऑल स्किन टोन, डार्क टू मीडियम टू फेयर अगेन, सो येस एनी बडी कैन बाय दिस शेड, इट्स अ वेरी प्रिटी एवरीडे शेड, सी इंस्टेंट मैट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, अगेन लाइट वेट है, बहुत अच्छा शेड है। सो इसको भी मैं लिप लाइनर के बाद मोस्टली ट्राई करती हूँ बट ये बिना लिप लाइनर के भी बहुत ही अच्छा प्रिटी शेड है, सो इफ आई वॉन्ट टू ट्राई विद लिप लाइनर थोड़ा शेप दे देता है, सी
ओके गाइज, सो अनदर लिप शेड विच आई हैव, ये मैंने रिसेंटली परचेज किया है. इट्स ऑल्सो फ्रॉम मेबली, इट्स फ्रॉम मेबली न्यूयॉर्क. सो दिस शेड नंबर इज NU01. बेयर इट ऑल, सो बेयर इट ऑल शेड का नाम है. एंड उस टाइम मैंने स्टोर में गई थी तो उनकी काफ़ी लाइट होती है तो उसमें अच्छा लग रहा था, बट जब मैंने नॉर्मली लगाया तो ये काफ़ी वॉश्ड आउट कलर है क्योंकि बहुत ही लाइट है. आई गेस इट्स गुड फॉर फेयर स्किन टोन, बट मैंने इसका भी तोड़ निकाला है विद लिप लाइनर. सो लिप लाइनर लगाया है एंड देन आई विल ट्राई दिस शेड. सो दिस इज द शेड और ये बेयर इट ऑल है. अभी मैंने लिप लाइनर के साथ लगाया है सो इट्स गुड, बट विदाउट लिप लाइनर इट गेट्स वॉश्ड आउट समटाइम्स. सो फॉर मीडियम स्किन टोन यू कैन यूज इट विद लिप लाइनर, फॉर फेयर स्किन टोन आप ऐसे भी लगा सकते हो. बहुत ही प्रिटी सा शेड है, सी मतलब ऐसे काफ़ी प्रिटी लगता है. मैं क्या करती हूँ इसके साथ, इसके ऊपर थोड़ा सा एक डार्क शेड की लिपस्टिक लगा देती हूँ टचअप के लिए, तो वो और थोड़ा डार्क हो जाता है तो अच्छा लगता है. सो यस, ये शेड है. आई गेस इज वेरी गुड फॉर फेयर स्किन टोन. बेयर इट ऑल, यू कैन ट्राई दिस वन. ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज व्लॉग. लेकिन इसका पार्ट टू अभी बाकी है बिकॉज आई स्टिल हैव दीज लिपस्टिक लेफ्ट विद मी टू कंटिन्यू विद द वीडियो. सो बट इस टाइम बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी सो मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ. बट आई विल मेक द वीडियो अगेन एंड विल स्वॉच दीज ऑल लिप शेड्स विच आई हैव. सो दीज शेड्स बेसिकली आर लिटिल बिट डार्कर शेड देन वट आई हैव शोन यू फॉर द न्यूड और ब्राउन लिप शेड्स. सो yeah, that's it for today's vlog. I hope आपको अच्छा लगा होगा मेरी lipstick collection. Please do like, share, subscribe and comment. और मैं अगर आपको किसी lipstick के बारे में या shade के बारे में particularly details चाहिए so आप please comment down करिए, मैं उसका details, उसकी details, उसके बारे में जो भी अगर मेरे से miss हो गया है मैं आपको बता दूंगी. तब तक के लिए goodbye, have a nice day, stay pretty. Bye-bye.